हमारे, लड़की घर का काम करती है और दो बेटे हैं, वो पढ़ाई के लिए स्कूल गए हुए हैं और काफी देर हो गई है। हमारी बिटिया राधा खेलने गई थी, अभी तक नहीं आई है। बापू, बापू नमस्कार। नमस्ते बेटी, नमस्ते। बापू मैं अर्ज कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? पिता चरण भी हाथ के, पिता चरण भी हाथ के, ललित झुकाए बाजार का समय हो गया है, पिताजी मुझे बाजार से सब्जियां लाना है। क्या? और तुम्हारे भाई पढ़कर विद्यालय से आ ही रहे होंगे, तुम ऐसा करो थोड़ी गैया के लिए थोड़ी घास काट करके ले आओ अपने। क्यों नहीं पिताजी, मैं जाऊंगी घास काट के लेके आऊंगी। ठीक है बेटी, और एक बात ध्यान रहे, अपने ही खेत में जाना, इधर उधर बहक मत जाना। जी पिताजी, किसी का उलाहना नहीं आना चाहिए। अपने खेत में जाऊंगी, घास काट कर लेके आऊंगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ और घास काट कर जल्दी आ जाना। ठीक है बापू। क्योंकि तुम्हारे भाई जब यहाँ आएंगे घर पे, तो मैं भी बाजार में जाऊंगा और तुम घास काट करके देर में आओगी तो वो परेशान होंगे, इसलिए जल्दी आ जाना। मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी। और एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
होकर चलते हैं राधा की तलाश में। अगर राधा अगर इनके यही कहीं मिल गई रास्ते में तो उसे जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। उसको पहला फुसला करके किसी तरह मुझे हमेली में ले चलना है। चलिए चलते हैं उसकी घर की तरफ। ख्यान है नहीं है हुआ नहीं है वहाँ नाई है। अरे तो हो गए वहाँ नाई है यार नई बात बतावा कर बात नहीं है घर नहीं है खेत लंग गए है खेत लंग गई है। चलो चलते हैं खेतों की तरफ। चलो मालिक आओ हेलो मैं घास काटने जा रहा हूँ। ओ यारी गोरिया कैला यारी गोरिया घसियरिया के बहनिया के बहनिया काहे मार लागी। राधा क्या है? अरे तुमको मैंने न जाने कहां कहां ढूंढा है। आखिर इस खेतों की तरफ पता लगा कि घास काटने के लिए आई है। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राधा क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बोलिए। सुनो मेरी बात। बोलिए। राधा एक बात मेरी बीमार है इसलिए तेरे संग को हमेली चले पानी भर के चली आना घर द्वार। राधा जो ठाकुर की नौकरानी थी वो आज बीमार है घर का कुछ काम है इसलिए थोड़े क्षण के लिए हमारे साथ हमेली चलो पानी भर के और फिर जल्दी घर आ जाना। अपने बताऊंगी मेरे बापू मुझे अर्पणा कर रखा
के संग जाओ सरकार है साथ मेरे किसी और को भेज दे साथ मेरे किसी और को भेज दे मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बापू कहते हैं कहीं बेटी मत जाना। यानी तुम डर रही हो अकेले जाने में। सुनो मेरी बात, अगर आप डर रही हो डरने की बात राधा क्या इसमें भला डरने की बात डरने की बात राधा क्या इसमें भला घर में है बस कोई काम भारी नहीं इसलिए साथ में मैं तुम्हारे चलू राधा बेटी करो तुम अपारी अगर आप डर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ फिर मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं डर नहीं रही हूँ लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे बेटी कहीं और मत जाना घास काट के घर को आना। अरे तुम्हारी घास की चिंता है नौकर, बात यह है कि इसके बापू ने इसको घास काटने के लिए भेजा है और तुम ऐसा करो घास काट करके और राधा के घर ले जाओ और राधा हमारे साथ जा रही है। क्या आप जाओगे मेरे घर? का नाम ले ले पहले घास का नाम पहले लिया करो। बात है हम जाई और तुम्हारे घर डार ही जाई। ठीक है चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नौकर ये खारा और हंसिया लो वो तुम्हें घास काट करके राधा के घर पहुंचा देना। मैं चल रहा हूँ। हम अटरिया जब अभी तक सागर से उस लौंडिया को लेकर नहीं आया है। ठीक आता ही होगा, इंतजार करते हैं उसका। सागर सिंह तुम खाली हाथ आए हो? ठाकुर साहब सागर सिंह कभी खाली हाथ नहीं आता है। मैं उस छोकरी को अपने साथ लेकर के आया हूँ। देखना चाहते हो ठाकुर साहब उससे मिलना चाहते हो? हाँ मैं अभी मिलवाता हूँ। उससे मिलने के लिए तो हम परेशान हैं। राधा नमस्ते। नमस्ते। ओफो लौंडिया नहीं ससुरी आइटम बम है। लगता है ऊपर वाले ने बनाकर फिर दोबारा किसी को बनाए नहीं। ठाकुर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल कहोगे सागर सिंह। ठाकुर साहब हवेली का दरवाजा बंद कर दो। मैं हवेली का दरवाजा बंद कर देता हूँ और मैं चाय पी करके हाँ फिर आता हूँ ताकि बाहर न जा पाए। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कुछ। बोलो। और बुलवाया है किसी ने चाहे मुझे से
मेरे पास आओ मेरी जान राधा। रस मेरे ऊपर लुटा तेरे रूप पर मैं तो दिल से फिदा हूं तेरे पर मैं तो दिल से फिदा हूं मुझे मान सोहर गले से लगाओ हमको अपना सोहर मान ले हमको अपने गले लगा ले तो उसे मालामाल कर देंगे हम। ओए क्या बोल रहे हैं मैं आपकी लड़की के समान हूँ आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। अरे तू लड़की समान है तो हम तेरे का बाप समान है हम तेरे दूल्हे ही समान है। अरे नहीं ठाकुर साहब मेरा सती जमाने में कैसे मोहब्बत दिखावे जमाने को कैसे मोहब्बत दिखावे जरा ठाकुर साहब रहम मुझ पे खावे जरा ठाकुर साहब राधा तू गरीब है हम तुझे अमीर बनाना चाहते हैं सिर्फ हमारी बात को मान जा हम तुझे अमीर बना देंगे। कभी नहीं आपकी बात मुझे नहीं मंजूर है। और गरीब हो राधा धनी तुझको बना